अंतर है पर समानता भी है। अंतर यह है कि भगवान के भक्त जीवात्मा होते हैं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम विभू होते हैं। समानता है प्रेम की। आध्यात्मिक स्तर में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण भगवान कृष्ण के ही गुण भी प्रकट हो जाते हैं भक्त में अणुमात्रा। तो इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं जन्म कर्म चन्द्र दिव्यम एवं लोभेति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनः, कि हे अर्जुन जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को भली भांति जान लेता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो ये सिद्धांत भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों पर भी लागू होता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का तथाकथित जन्म और उनका तथाकथित मरण जन्म और मरण नहीं है, उसे हम आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं या प्राकृतिक और अप्राकृतिक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके शुद्ध भक्तों के लिए भी कहना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी का आज तिरोभाव दिवस है। अक्सर ये जयंती आदि सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है बाहर की दुनिया में, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि जयंती शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये तिरुभाव शब्द उपयुक्त है। जब भगवान के शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं तो साधारणतः लोग उनको उस समय पहचानते नहीं है, वो जानते नहीं है कि ये कौन है, आगे चल के ये किस तरह के कार्य करने वाले हैं। हो सकता है थोड़े लोग जानते होंगे परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। परंतु जब उनका तिरुभाव होता है तो सारी दुनिया उनको पहचान चुकी होती है। सब लोग जानते हैं कि ये भगवान के कितने बड़े भक्त हैं और कितने अद्भुत से अद्भुत कार्य उन्होंने भगवान की ओर से कर दिए हैं, संपन्न किए हैं। पिछले प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसे ही था। तो उनका जब आविर्भाव हुआ, उनका प्रकट हुआ, जन्म हुआ तो बहुत कम लोग उनको जानते थे और जवानी में भी युवा अवस्था में इत्यादि केवल मठ के जो लोग थे बस उनको जानते थे। परंतु 50 वर्ष की आयु के बाद जब वानप्रस्थ आश्रम लिया, वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास आश्रम ग्रहण किया और फिर आगे चल के वो विदेश में गए, तब जाके 70 साल की आयु में उनकी ख्याति वास्तव में बढ़ी और फिर लोग जानने लगे कि प्रभुपाद जी हैं कौन, इतने महान हैं। पहले से भी महान थे परंतु इनकी पहचान दुनिया में नहीं थी। तो जब 1977 में उनका तिरुभाव हुआ तब तक सारी दुनिया पहचान गई थी और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, दशक बीते जाएंगे, शताब्दी बीते जाएंगे, तो प्रभुपाद जी का गुण गौरव बढ़ता जाएगा। सब लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे कि श्री प्रभुपाद जी ने इस तरह का चमत्कार कर दिखाया। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके प्रतिनिधि होकर उन्हीं का अर्थात भगवान कृष्ण का कार्य संभालते हैं। यदि भगवान चाहे तो एक क्षण में सारी दुनिया को शुद्ध भक्त बना सकते हैं, उनके लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। परंतु भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ये सारे कार्य छोड़ देते हैं, प्रचार करना, मंदिरों का निर्माण करना, ग्रंथों की स्थापना करना, वितरण करना, ये सारी चीजें अपने भक्तों के लिए वो सौंप देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं ताकि भक्त उनकी सेवा करके सारे दुनिया में पहुंच जाए और उनकी ख्याति दुनिया की दृष्टि में पड़े। जिस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करना चाहते हैं
तो भगवान भी चाहते हैं कि उनकी भक्तों की ख्याति दुनिया भर में फैल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त जैसे कृष्ण प्रभुपाद जी ऐसे आंदोलन प्रारंभ करते हैं या जारी रखते हैं जिसके द्वारा सारी दुनिया उनको जानती है। तो श्री प्रभुपाद जी ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर दिए, अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए। व्यक्ति उपदेश अन्यों को कैसे देता है? पहली बात तो अपने शब्दों से, अपने वाणी से, दूसरी बात अपने कार्यों से। तो अपने जीते जी जो एक व्यक्ति वचन कहता है और कार्य करता है उससे अन्यों को कुछ उपदेश मिलता है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं श्री प्रभुपाद जैसे, वो अपने कार्यों से और वचनों से अवश्य जीते जी सारी दुनिया को उपदेश देते हैं। परंतु श्री प्रभुपाद जी और उनके जैसे जो शुद्ध भक्त रहे, उनके पहले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि, उन्होंने न केवल जीते जी सारी दुनिया को सदुपदेश दिया, परंतु उन्होंने अपने प्राण त्यागने से भी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। तो ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था श्रील प्रभुपाद जी का, किस प्रकार से उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया। और ये इसीलिए हम इसे तिरुभाग जैसा एक महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी फिर कृष्ण लीला में प्रविष्ट हुए। प्रेम ध्वनि में हम कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। तो साधारण भक्त हो सकता है नित्य लीला में प्रविष्ट न हो पाए, हो सकता है साधारण भक्त को पुनर्जन्म लेना पड़े क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं। परंतु भक्तों के समाज में प्रकट होंगे, आगे चल के भक्ति में आगे बढ़ेंगे और फिर उस जन्म में शुद्ध भक्त बन जाएंगे। परंतु जो इस जन्म में ही शुद्ध भक्त हो जाते हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, भगवान के धाम में उनकी लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है उनके अनुयायियों के लिए कि इस दिन पर प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की लीला में प्रविष्ट हुए। तो क्या इसके पहले प्रभुपाद जी भगवान की लीला में प्रविष्ट नहीं थे? थे, परंतु अपने शरीर में रह के वो भगवान की लीला में प्रविष्ट थे। प्रभुपाद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश ये है कि वृंदावन न केवल एक भौगोलिक स्थान है, परंतु ये एक चेतना की अवस्था है। तो यदि हम श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड के और दुनिया के किसी भी भाग में क्यों न हो, हम वृंदावन में हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक याद रखने लायक एक वचन है प्रभुपाद जी का कि यहाँ बेलगाम में रहते हुए भी यदि हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो हम वृंदावन से दूर नहीं है, बेलगाम भी हमारे लिए वृंदावन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि हम वृंदावन में जाएं शारीरिक रूप से, परंतु वहां हमारी चेतना ठीक नहीं है, वृंदावन में रहने का लाभ अवश्य मिलेगा, ब्रज रज से संपर्क होगा, स्पर्श होगा, परंतु वहां अपराध करेंगे तो फिर दुष्परिणाम होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यह दिखलाया कि वास्तव में वृंदावन में रहने का तात्पर्य क्या है। हर एक भक्त को चाहिए कि वो ऐसे आदर्श को प्राप्त करे कि अंतिम क्षण में जब सांस छोड़ने का समय आएगा तो भगवान का स्मरण करते हुए वो अपने लगे अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समर्थावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अंत काल में प्राण त्यागते समय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है, मेरे धाम में आ जाता है। तो ये हमारे जीवन की संस्कृति है।
जो भी हम भक्ति कर रहे हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होगी। क्या हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाए या नहीं कर पाए हैं? तो इसलिए यद्यपि जीते जी हम लोग इतने सारे उपदेश प्रभुपाद जी के स्वीकार कर रहे हैं, हमें जप करना है, भागवत सुनना है, भगवान के विग्रहों की सेवा करनी है, दर्शन करना है, प्रसाद पाना है, कितने ऐसे उपदेश प्रभुपाद जी के थे, परंतु सब की परीक्षा तब होगी जब हमारा अंतिम क्षण आएगा। तो प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से दिखलाया कि कैसे भागवत का श्रवण कीर्तन होना चाहिए, कैसे हरिनाम का श्रवण कीर्तन होना चाहिए, कैसे अर्चा विग्रह की सेवा और दर्शन होना चाहिए। उसी प्रकार से उनका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश हम सब के लिए था। उन्होंने जो कर दिखाया, कृति में कर के लाए हो, और वो क्या है कि मृत्यु कैसे होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित होकर हमें प्राण कैसे त्यागने चाहिए। सुशील प्रभुपाद जी का ये सबसे महत्वपूर्ण उपदेश हम सब के लिए, और ये केवल एक क्षण की बात नहीं है, सबको पता था कि सुशील प्रभुपाद जी के अंतिम क्षण बहुत निकट आ गए हैं। तो अनेक दिनों से भक्त लोग देश देश से इकट्ठे हुए थे वृंदावन में, तो न केवल शारीरिक रूप से इस समय वृंदावन में सुशील प्रभुपाद थे, परंतु चेतना में तो थे ही। तो इसलिए सारे भक्त इकट्ठे होने लगे, उनके लिए असहनीय था कि श्री प्रभुपाद जी उनके बीच में नहीं रहेंगे, शारीरिक स्तर से तो वो चले जाएंगे यहाँ से। तो श्री प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाव को टाला और टालते रहे ताकि लोग देख सकें कि अंतिम सप्ताहों में, अंतिम दिनों में, अंतिम मिनटों में, अंतिम क्षणों में उनकी क्या चेतना थी। तो इसे उपाधि को जब हम देखते हैं तो उस समय हमें पता चलता है कि हमें मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी एक आदर्श है हमारे लिए हर दृष्टि से, और मृत्यु का सामना करने के लिए भी वो हमारे लिए आदर्श है। इसलिए उनके मृत्यु को मृत्यु न कहकर हम तिरुभाव कहते हैं। तो इसी दिवस पर 1977 में नवंबर महीने में श्री प्रभुपाद जी ने का तिरुभाव हुआ। वैसे 7:21 पर वृंदावन में ये घटना हुई, उसके वहां पर वृंदावन में उनके कमरे में बहुत सारे भक्त इकट्ठे होते हैं और वहाँ कीर्तन होता है, फिर संसारा दावा प्रार्थना की जाती है और बहुत भावुक हो जाते हैं सभी लोग। जितने भी भक्त इकट्ठे होते हैं, खास करके उनके जो शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं, जिन्होंने उनका निजी संग प्राप्त किया, उनके लिए तो बहुत ही एक भावुक समय है ये। तो सब लोग वहां रह जाते हैं, रह के फिर प्रभुपाद जी का गुणगौरव करते हैं। तो भले हम आज शारीरिक रूप से वृंदावन में नहीं जा पाए हैं, परंतु जैसे हमने पहले कहा, क्योंकि हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, प्रभुपाद जी जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका गुणगौरव कर रहे हैं इस बहुत ही पावन दिवस पर, तो यहाँ भी ही वृंदावन प्रकट हुआ है। तो श्री प्रभुपाद जी के तिरुभाव की कथा सुनकर हम भी श्री प्रभुपाद के संग में रहेंगे और हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी अभी आगे चलकर कि जब हमारा मृत्यु का समय आएगा, और आएगा तो सही एक दिन, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी न कभी तो आएगा, तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए और मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए। तो अभी गोविंद जी प्रभु से हम थोड़ा सा सुनेंगे, प्रभुपाद लीला से बताओगे तिरुभाव के समय बारे में, तो गोविंद जी प्रभु से हम सुनेंगे प्रभुपाद लीलामृत से कि प्रभुपाद जी के तिरुभाव के समय क्या क्या घटनाएं हुई, क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने कैसे कहा, क्या कहा, क्या किया। तो थोड़े समय के लिए हमारी चेतना इस कथा में हम मग्न करते हैं, प्रभुपाद भावना भावित हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।
श्री प्रभुपाद प्रभु भारती महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद।